हेलो वेलकम बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू द इंग्लिश सब्जेक्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखे थे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने कवर किया था, कौन से कैन और कुड को। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उन्हीं के ऊपर रहेगा। ठीक है, एबी के ऊपर। तो आज हम किसे लेने वाले हैं? आज हम लेने वाले हैं मे को। ठीक है, मे का मीनिंग क्या निकलता है? सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये हम ये कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, या फिर इसका यूज कहां पे होता है? विश या होप। ठीक है, किसी को हम विश वगैरह करते हैं ना, उसके लिए, जैसे कि भगवान करे आप परीक्षा में पास हो, है ना। तो इस टाइप का हम क्या करते हैं, किसी को विश वगैरह करते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? मे का यूज करते हैं। उसके बाद हम परमिशन मांगने के लिए भी किसका यूज करते हैं? मे के। जैसे हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम वगैरह की, तो उसके लिए भी हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, परमिशन मांगने के लिए वगैरह। ठीक है, ठीक है, हम बोलते हैं ना मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं वगैरह ऐसे बोलते हैं ना, तो परमिशन के लिए भी क्या होता है? इसका यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम आज, वो आज ऑफिस आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि वो आएगा ऑफिस में। ठीक है, उसकी क्या है? उसकी आने की पॉसिबिलिटी, यानी कि चांस क्या है? ज्यादा है कि वो आज ऑफिस में आ सकता है। ठीक है, सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम कि वो आ सकता है। ठीक है, तो कैसे होगा सेंटेंस? ही, पहले हम क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सकता है, ये हमारा क्या हो गया? ए बी हो गया। ठीक है, आ यानी कि क्रिया। कौन सी क्रिया है? आ यानी कि आने की क्रिया। ठीक है, यानी कि वो क्या करेगा? आने की क्रिया करेगा। ठीक है, कहां पे आने की क्रिया करेगा? ऑफिस में। ये हो गया हमारा आर डब्ल्यू हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। ठीक है, वो आज ऑफिस आ सकता है। ही मे, फिर हम क्या लेते हैं? हमारा ये जो सीक्वेंस है, सब्जेक्ट प्लस ए वी प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर डब्ल्यू। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट। फिर क्या है हमारा? ए वी, ए वी ले लिया। फिर हमारा क्या है? एम वी, एम वी क्या है? आ। आने को हम क्या बोलते हैं? कम। आने को हम क्या बोलते हैं? कम। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं, फिर क्या है? आर डब्ल्यू, वो आज ऑफिस आ सकता है। ठीक है, ही मे कम टू ऑफिस, ठीक है, टुडे हो गया। ही मे कम टू ऑफिस टुडे। वैसे वह घर आ सकता है। ठीक है, वह के लिए हम क्या करेंगे यूज? ये वह क्या है हमारा? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, सकता है, ये क्या हो गया हमारा? ए बी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? एम बी हो गया। घर, ये क्या हो गया हमारा? आर डब्ल्यू हो गया। ठीक है, ही मे कम ऑफिस, ओके, ही मे कम ऑफिस। ठीक है, तो यहां पर मैंने होम लिखा था, यहां पर क्या लिखना था हमें? यानी कि ऑफिस लिखा था, यहां पर लिखना था होम। ठीक है, ही मे कम। ठीक है, वो मुझे गांव जाने के लिए बुला सकता है, वो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या रहेगा? ही। ठीक है, फिर क्या है? बुला सकता है, मे। ठीक है, ही मे कॉल, बुलाने के लिए कौन सा शब्द है? कॉल। ही मे कॉल मी टू गो टू विलेज। ठीक है, वह मुझे गांव जाने के लिए बुला सकता है। ही मे कॉल मी टू गो टू विलेज। ठीक है, वो मुझे गांव जाने के लिए क्या कर सकता है? बुला सकता है। हाँ, अब ये वाला जो सेंटेंस है, ये हम इसको क्यों यूज करते हैं? जैसे किसी को विश वगैरह देते हैं ना हम, उसके लिए हम क्या करते हैं? इस सेंटेंस को यूज करते हैं। ठीक है, भगवान करे आप परीक्षा में पास हो। ठीक है, इस टाइप हम बोलते हैं ना, किसी को विश वगैरह देते हैं, है ना, गॉड ब्लेस यू वगैरह की, इस टाइप का हम जो देते हैं, किसी के बर्थडे के दिन हम उन्हें विश वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मे का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मे यू पास द एग्जाम, है ना, इस टाइप का अगर, तो ये सेंस में भी हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि मे का क्या मीनिंग होता है और वो किस चीज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्या है? माइट। अब ये जो मे का जो सेंस है ना, वही सेंस इसका निकलता है, जैसे सकता है का, ये जो सकता है का सेंस है ना, यही सेंस किसका निकलता है? माइट का निकलता है। बट इसमें क्या होता है? पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है किसी चीज को करने की, बट इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है वो लेस होती है, यानी कि कम पॉसिबिलिटी होती है।
किसी चीज को करने की कम पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि हम यहाँ पे भी माइट का यूज कर सकते हैं, जैसे वो आज ऑफिस आ सकता है, ही मे, तो हम क्या कर सकते हैं, ही माइट कम टू ऑफिस टूडे, यानी कि आज वो ऑफिस आने की कम संभावना है उसकी, यानी कि कम पॉसिबिलिटी है, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, और अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है तो मे का यूज करते हैं, और पॉसिबिलिटी अगर कम होती है तो हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम उनके घर जा सकते हैं, वी, ठीक है, सकते हैं, ए भी क्या आएगा, माइट, ठीक है। वी माइट गो उनके घर, देयर होम, है ना, देयर होम। तो देखिए कितना है, सिंपल है, ठीक है। इसी का सेंस इसका भी निकलता है, यानी कि जो मे का सेंस होता है वही सेंस माइट का भी होता है, बट इसकी लेस पॉसिबिलिटी होती है, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। मेरे पिताजी ऑफिस नहीं जा सकते, यानी कम पॉसिबिलिटी है, आज वो घर पे ही रहेंगे, उनकी तबीयत बहुत अच्छी है नहीं, तो आज मेरे पिताजी क्या करेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, आज वो घर पे ही रहेंगे, ठीक है। या पॉसिबिलिटी है पर कम पॉसिबिलिटी है, यानी कि है ना, ठीक है। तो मेरे पिताजी के लिए क्या करेंगे, मेरे पिताजी, तो क्या करेंगे अपन, माय फादर, ठीक है। फिर उसके बाद सकता, सकते है, मेरे पिताजी आज ऑफिस नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, माइट, ठीक है, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब जाने के लिए फिर क्या है, यम भी जाने के लिए क्या है, गो, ठीक है, ऑफिस, गो टू ऑफिस, या तो, ठीक है। अब देखिए माय फादर माइट, अरे नहीं है ना, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, नॉट लगेगा, नहीं जाएंगे ना, नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब हम जितने भी ये भी देख रहे हैं ना, जैसे हमने कैन देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, कुड, उसके बाद आज हमने क्या देखा, माइट, सॉरी मे, फिर क्या देखा हमने, माइट देखा। आपको पता है कि ये सभी के बीच में जो यानी कि यमवी को यूज किया है, आपको पता है कि ये सब वीवन को यूज किया है, यानी कि मेन, ये जो मेनवर होते हैं ना उसका फर्स्ट फॉर्म, इसके फोर्थ फॉर्म होते हैं, आपको बताऊंगा, V1, V2, V3 एंड V4 होते हैं, ठीक है। कोई कोई इसको V5 भी लगा देते हैं, जैसे यस यस मिला है तो, पर उसको नहीं पकड़ना पड़ता, ठीक है। V1, V2, V3 और V4, जैसे कि कैन, कुड, मे, माय, शुड, डू, डिड, डीड वगैरह, ये जो रहते हैं, अप टू वगैरह की, इनके बाद कभी भी V1 लगता है, V1। ये बाद में हम जब यमवी का चार्ट पढ़ेंगे ना, यानी कि हमने अभी कैसे पढ़ा, सब्जेक्ट AV, यमवी, ऑब्जेक्ट और RW, जैसे हमने इसे पढ़ लिया है, ये शुरू है हमारा, इसे पढ़ लिया, हम यमवी पढ़ने के ना, जिस दिन हम यमवी पढ़ेंगे उसमें आपको V1, V2, V3 वगैरह क्या होती है इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे। तो इसके फोर्थ फॉर्म होते हैं V1, V2, V3 और V4 होते हैं, ठीक है। जैसे कि V1 में गो आया, इसका V2 होता है गॉन, सॉरी वेंट, इसका V2 क्या होता है, वेंट होता है, ठीक है। इसका V3 होता है गॉन, ठीक है, और V4 होता है इसका गोइंग, ठीक है। तो ऐसे फोर्थ फॉर्म होते हैं इनके, तो ये हमें इनके सभी के क्या करना है, फोर्थ फॉर्म पढ़ना है। फिर किस एवी के अफ्टर में V1 आता है, किस एवी के अफ्टर में V3 आता है, किस एवी के अफ्टर में V4 आता है। ये जो V2 होता है ना, ये V2 कभी एवी के बाद नहीं आता, जितने भी हमारे जो जितने भी एवी रहेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, डू, डिड, डिड, एमिलर वगैरह, मोजवेयर वगैरह, हैव, हैज, हैड, ये जितने भी हमारे एवी रहेंगे ना, उसके बाद V2 कभी नहीं आता, ठीक है, ये सिंगल ही आता है, ठीक है, ये किसी एवी के बाद में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद किन एवी के पीछे V1 आएगा, किन एवी के पीछे V3 आएगा, किन एवी के पीछे V4 आएगा, ये बाद में हम आपको बताएंगे। जैसे एमिजार के बाद वगैरह किन V4 लगता है, ठीक है, हैज के बाद V3 लगता है, ठीक है। तो ये हम सब पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो हमने क्यों यहाँ पर V1 का यूज किया है, तो ये ध्यान रख दीजिए, क्योंकि मे, माइट, कैन, कुड के बाद में कभी भी V1 आता है, इसलिए यहाँ पर गो V1 आया है, ठीक है। यहाँ पे भी गो V1 आया है, यहाँ पे कम, ये क्या है, V1 है, यहाँ पे भी कम क्या है, V1 है, ये कॉल, ये क्या है, V1 है, ठीक है, ये V1 है। तो कभी भी क्या कोई मे, माइट के बाद में क्या आता है, V1 आता है, ठीक है। तो बाद में हम जब भी यानी कि यमवी को पढ़ेंगे ना मेन वर्क, उसमें हम सब जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो सब क्या करेंगे, उसमें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।